ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दो मुख्य घोषणा की थी। नंबर वन, 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन दिए जाएंगे। नंबर टू, ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक transport.delhi.gov.in पे अप्लाई करने के लिए लिंक को अपडेट नहीं किया गया। लेकिन क्यों नहीं किया गया आज हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी चैनल पे इस तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दरअसल कोरोना के कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 मई को सारे ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया और उन्होंने ये बताया सोमवार को यानी कि 10 मई को transport.delhi.gov.in पे इस लिंक को अपडेट किया जाएगा, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लिंक को अभी तक अपडेट नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया? आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो रहा है। सभी लोगों से दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया है कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पूरे 15 दिनों का समय है। दिल्ली के लिए ऑटो टैक्सी चालक, रिक्शा चालकों, ई टैक्सी ड्राइवर, दिल्ली ड्राइवर योजना के लिए अंतर्गत इन 15 दिनों के अंदर अपना दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मेन रीज़न ये है कि transport.delhi.gov.in पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने के कारण इस लिंक को अपडेट नहीं किया गया, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को लिंक को अपडेट किया जाएगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।